पत्रिका? दत्ता क्या कर रहा है? क्या करने वाला हूँ और क्या नहीं ये तुम्हें पता है दत्ता? अरे काशी भी तुझ जैसा ही इस घर का बेटा है ना? हाँ, पर वो लोग अपने घर का कितना भला चाहते हैं ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। सब समझती हूँ मैं, भगवान भी सब देख रहा है, पर इस सब से उसकी क्या गलती है? एक बार उसकी शादी टूट चुकी है, इस बार तो सब कुछ ठीक से होने दे रे। आई, पर उसकी आई तुम्हारे बच्चों का बुरा ही करना चाहती है ना? ये नहीं चलेगा, बाबा से छिपा कर सब कर रही हो ना? मेरी कसम है तुझे, उनको कुछ पता नहीं चलना चाहिए। पत्रिका भगवान के आगे नहीं रखी तो बाबा को कैसे पता चलेगा? अरे पर, अरे दत्ता मेरी बात सुन, दत्ता दे वो पत्रिका मुझे, दे पहले मुझे। मैंने तुम्हें आज तक कभी ना नहीं बोला, लेकिन अब मैं नहीं सुनूंगा, ये पत्रिका मैं चला रहा हूँ। नहीं नहीं दत्ता, अरे मत कर रहे, अरे शुभ कार्य में शादी के काम में ऐसा मत कर रहे। आई मुझे मत रोको तुम, छोड़ दो। मैं बोल रही हूँ ना, इसलिए तो रुक जा। मार और मार, जान ले ले। पर जिस औरत ने अपने घर का बुरा चाहा, मेरे बाबा का बुरा चाहा, जिसकी वजह से तुम्हारी आंख में पानी आया, उसके बारे में, उस औरत के घर के बारे में मेरे मन में कोई सम्मान नहीं है। आई, दत्ता, ये क्या था? आई, ये सिर्फ पत्रिका नहीं थी। जीवन को मिट्टी में मिला दिया है, अब मेरे बेटे के जीवन को भी खत्म करने चला है, उसे कहीं का नहीं रखा है। ये लो, इसको भंगार में बेच दो। हाँ, भंगार में बेचकर भी कुछ नहीं मिलेगा। ये लो, ये लो, ये लो। ये कैसा कागज है? ये लो देखो, 712 का नक्शा है। इसमें क्या है ये कैसे पता चलेगा? तालुका में जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको कौन बताएगा और कितना समय लगेगा? वकील गांव में है ना? नेने, पर वो अन्ना का मित्र है, उसको दिखाना पड़ेगा। अरे पर अन्ना को पता चल गया? पता चला तो चलने दो, सब तो हजम कर गया है ना, पर इस कागज में क्या है वो तो पता चले। ठीक है, तो मैं जाकर आता हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? जाओगे और वैसे ही हाथ हिलाते हुए वापस आओगे। हाँ चलो, मैं चलती हूँ। चलो, लो मुंह मीठा करो नाइक जी। ऐसे बदले रुकवाने के लिए अन्ना नाइक ने कुछ ठान ली ना, तो किए बगैर नहीं रुकता। अब यहीं पर रहना है, जो चाहिए वो मिलेगा। लीजिए। अरे अबनायक, आइए आइए आइए। नमस्ते, बैठिए। नेने साहब, बेटे की शादी तय हुई है। अरे वाह, हो गई पूरी तैयारी? क्या कैसी तैयारी जी, गरीब के घर की शादी, हम लोग तो सिर्फ नाम के नायक हैं,
है ये क्या हमारे पास? बदन का ये एक गहना भी बेचना पड़ेगा अब। अरे ऐसे क्यों बोल रही हैं? कुछ ना कुछ हो जाएगा। वही एक आस है, इसीलिए तो आए हैं आपके पास। हमें ये एक कागज मिला है, पर हमें इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अब गांव में एक ही पढ़ा लिखा समझदार आदमी है। कौन? वो है आप, इसीलिए आपके यहाँ दिखाने के लिए लाए हैं। सुनती हो, दो कप चाय बनाना। कुछ पता चल रहा है? कोई फायदा नहीं है इस कागज का। आपकी कोई जरूरत पूरी होगी, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। पर मैं समझ सकता हूँ कि घर में इकलौते बेटे की शादी है, धूम धड़ाके से होनी चाहिए। अब आप लोग कहोगे कि नहीं नहीं इतना अच्छा कैसे बोल रहा है। नहीं, मैं अन्ना का दोस्त हूँ, बिल्कुल ही हूँ, पर आपका भी कोई दुश्मन नहीं हूँ, और आपके बेटे का तो बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए कुछ करना होगा तो मैं जरूर करूंगा। बैठिए, मैं अभी आया। कौन गया? मुझे मालूम है। कौन? मैं भूल गया। ये लीजिए, और वापस करने की जल्दी नहीं है। तब तक सिर्फ मैं ये कागज मेरे पास रखता हूँ। ठीक है। वैसे कागज से भी रकम बड़ी है, पर ये सब इंसानियत के नाते। हाँ, मैंने आपकी मदद की है, ये किसी को बताना मत। नेने भाऊ जी, आप भगवान की तरह दौड़ कर आए हैं, आपके ये उपकार मैं कैसे उतारूंगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पर शादी में खाना खाने जरूर आइए। नहीं मतलब हमारे मन को उतना ही समाधान मिलेगा, क्यों? ठीक है ना? अच्छा, हम चलते हैं। आइए। अरे वो चले गए क्या? जाने दो, सबको चाय पिलाने के लिए मेरे पास कोई गन्ने के खेत नहीं है, मुझे मेरा धंधा दिखता है। हाँ? लाओ वो चाय दो मुझे, और वो तुम पी लो। ठीक है। कौन? क्या रे, क्या हुआ? कुछ नहीं। मेरे कमरे में कौन आया था? दत्ता भाऊ, दत्ता भाऊ। वो आया है। कौन आया है? भूल गया। मैं भी सबको गोली मारने के लिए आया हूं। मैं भी नाइक ही हूं, मैं सबको गोली मार दूंगा। सबको छीन लिया ना हमसे, हमें इस बारे से निकाल फेंका ना। मुझ पर गोली चलाई थी ना, चलाऊं गोली? ए ए, आगे मत आना, आगे मत आना। क्या कर लेगा रे तू? हाँ, पीछे हो। क्या करेगा तू? पीछे हो। छाया, अरे वो मार देगा। काशी बेटा, ऐसा क्यों कर रहा है तू? मारू तुम्हें? मारू क्या तुम्हें? दत्ता, 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 उसे छोड़ दे रही है। आई देख, अरे छोड़, उसको छोड़ के उसकी जान लेगा। इसका मुर्दा ही भेज देता हूँ इसके बाप को। इसके आई बाप के कम थे जो ये आ गया। दत्ता, मेरे कमरे में तुझे, अरे शादी है उसकी, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। दत्ता, मेरी बात मान रहे, नहीं तो मैं ही छोड़ देती हूँ।
कर, छोड़ उसे, छोड़ उसे, जाने दे। अरे, अरे क्या कर रहा है? चल तत्ता, चल। आई, चल, आई, चल, आई, चल। काशी, अरे काशी, अरे काशी, अरे ये क्या हो गया काशी? संभालो अपने बच्चे को। ये क्या किया मेरे बेटे का? हाँ, क्या किया? मेरी आई से तुमने कैसा भी बर्ताव किया हो, पर उसी की वजह से ये बचा है। वरना घर के बाहर इसकी आरती दिखती, और वो भी करके दिखाऊंगा अगर ये फिर से बाड़े पे आया तो। अन्ना नाई की औलाद हूँ मैं, याद रखना। आरती तो अब तुम्हारे अन्ना नाई की निकलेगी, यहाँ की करनी को यही भोगना पड़ता है। ये क्या, तुम्हें आमंत्रण मिल गया शायद हल्दी का? कूट आई कूट, हल्दी कूटो और लेकर जाओ, और लगाओ अपने पगले देवर को और उस बच्चे को भी। चुप बैठा, नहीं तो आंख में डालकर आंखें फोड़ दूँ। काशी को मारा तो तुम्हें इतना दर्द हुआ, और यहाँ अपनी बेटी की जान लेने की बात करती हो? किस तरह की आई हो तुम? हाँ देख, मेरी हल्दी कूट कर हो गई है, अब तुझे भी कूटूंगी। हाँ लग गई आग, जल भुन गई एकदम। जो यहाँ सब बिखेर के रखा है ना, वो उठा कर रखना, और वो बर्तन भी अच्छे से मांझ कर पोंछ कर जगह पर रखना, समझ गई ना? जरा काम कर। हल्दी है हल्दी, नाई के घर हल्दी। हाँ रे बाबा, हाँ। आई, क्या सबको बुलाना? हाँ। नाईक हूँ मैं, नाईक अन्ना नाईक। क्या, कौन है तू? अन्ना नाईक हूँ मैं, अन्ना नाईक। इतर गोली मार दूंगा। नाम मत ले उसका, उसकी वजह से क्या देखना पड़ रहा है देख। आ गए, सबको बता दिया ना? हाँ। सब लोग आ रहे हैं ना? तो अभी तक कोई आया कैसे नहीं? क्या जी, तावड़े के यहाँ नहीं बताया क्या? क्या बोल रही थी वो? आना नहीं हो पाएगा ऐसा बोला। क्यों, हल्दी के लिए बुलाया था ना, या गला दबाने वाली थी मैं उसका? हल्दी लगाओ नाइक को, हल्दी लगाओ जल्दी। आई मुझे हल्दी लगाओ, मुझे हल्दी लगाओ, नाइक के यहाँ हल्दी की रस्म है। आई मुझे हल्दी लगाओ, हल्दी लगाओ, नाइक की हल्दी। इधर इधर। पांच औरतें चाहिए ना, मैं कोई पांच औरतों से कम नहीं हूँ। अरे कोई नहीं आया तो मेरे बेटे को हल्दी नहीं लगेगी, ऐसा सोचते हैं क्या? मैं लगाती हूँ मेरे बेटे को हल्दी। ऐसे लगाती हूँ मैं भगवान के नाम पर, बीच में है हल्दी की कटोरी, ये जो हल्दी है वो कौन लगा रही है? दूल्हे राजा तुम्हारी आई, दूल्हा आई को हाथ जोड़े। अन्ना नायक, तेरे बच्चों के बदन पर हल्दी नहीं टिकने देगी ये बच्ची। ऐसे लगाती हूँ भगवान के नाम पर, बीच में क्या है हल्दी की कटोरी, ये हल्दी जो है कौन लगा रहा है? दूल्हे राजा तुम्हारी काकी, काकी हल्दी लगा रही है थोड़ी, काकी हल्दी लगाए थोड़ी, दूल्हा काकी को हाथ जोड़े, दूल्हा काकी को हाथ जोड़े। अन्ना नायक, तेरे घर में खून की नदियां बहेगी, तू अपनी आंखों से अपने बच्चों का सुख कभी नहीं देख पाएगा। तू सुखी नहीं होगा,
साफ करके रखने को कहा था, वो भी नहीं किया। किसी काम की नहीं है ये। आए अबे रामा, लाल पानी, लाल पानी। अरे तू क्या कर रहा है यहाँ पे? हाँ? अरे चल निकल यहाँ से, निकल। खून, खून है। क्या है ये? अभिराम, जब किसी के साथ कुछ बुरा होने वाला होता है ना, तब ऐसा होता है। इंदु, अगर मन में शक है ना, उसे घर में मत रखना। अगर किसी के शरीर पर गिरा ना तो बाधा होगी। बाबा वो मैं पानी, लाल पानी, लाल पानी आना। छाए ताई ने लाल पानी फेंका अन्ना पर। दत्ता भाऊ, छाए ताई ने ना अन्ना पर लाल पानी फेंक दिया। लाल पानी से बाधा होती है ना। बाबा, बाबा मुझसे गलती हो गई बाबा। मैंने जानबूझकर नहीं किया, मेरा हाथ हिल गया था बाबा। फिर से ऐसा नहीं होगा बाबा। मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ ना बाबा। गुस्सा थूक दीजिए, आपके पैरों पर सर पटकती हूँ बाबा। आंखें फाड़ कर क्यों देख रहे हो? मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया था। Thank you.
बाबा। प्रार्थना करने के लिए कोई नहीं है। ये सब लोग आए हैं ना, सिर्फ तमाशा देखने के लिए आए हैं। कोई आने वाला नहीं है, तुम्हें ही करना है। वो अंदर बैठा है ना, सब मान्य करेगा। मैं बोलती हूँ वैसा बोलो, पहुँचने दो उस तक। बताओ उसको कि बेटे की गृहस्थी इतने साल बाद शुरू हो रही है, वो तुम्हारी वजह से। बेटे की गृहस्थी इस साल शुरू हो रही है, वो तुम्हारी वजह से। बेटे पर किसी ने कोई जादू टोना किया होगा तो वो अपने पैरों के नीचे ले। बेटे को कोई अपने पैरों के नीचे ले। बताओ उसे, कोई हमारे आड़े आए तो उसे सीधा कर दो। कोई हमारे आड़े आए तो उसे खत्म कर दो। हमारा बुरा चाहने वाले, उसे सुख से जीने नहीं देना। बच्ची ये प्रार्थना है ना। जो बोल रही हूँ वो करो। हाँ, वो देख लेगा एक एक को, वो सुनेगा। हाँ, फोड़ो नारियल, फोड़ो। बजाओ रे। अरे रुको रुको रुको, यहाँ से नहीं, अन्ना नायक के सामने से बारात निकालेंगे। चलो भाई। दत्ता भाऊ भाई, दत्ता भाऊ, बारात आ रही है, अभी नाचेंगे सब जन। मैं भी नायक की ही बहू हूँ, और ये मेरी बहू शोभा काशीनाथ नायक। ये अपना मुख्य घर है, हमारा कुल देवता यहीं पर है। करो नमस्कार, करो यहीं पर। अजी नारियल फोड़ो यहाँ पर। किस लिए, रहने दो ना। रहने दू, क्या रहने दू, अजी मुख्य घर तो यही है ना। फोड़ो। गिरते हैं तो गिरने दो मुर्दे, ये क्या कम है। दत्ता, मेरे घर के आगे खून नहीं बहना चाहिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुझे। आई, मेरी कसम है तुझे। सुन, तू जा यहाँ से, तुम्हारे बेटे का अच्छा हो रहा है ना, तो होने दे, तुम्हारे जिद की वजह से उसकी जान जाएगी। जा मेरी मैया, जा यहाँ से। बाबा बाबा,
मैं उनको बोलता हूँ यहाँ से जाने के लिए, पर वो बड़ी रही तो जंग लग जाएगी। बाबा रहने दो, मैं कुछ करता हूँ ना। तू क्या करेगा हा? उस बच्ची का, उसके पति का, उस लड़के का मुंडी चाहिए मुझे। लाके देगा मुझे? बोल, मेरे रास्ते में जो आएगा उसके नाम की कारतूस भरूंगा। बाबा, बाबा नहीं। अरे हट। बाबा, बाबा। क्यों आया? आड़े क्यों आया? बच्ची दरवाजे पर आई, बारात नचा कर जिंदा चली गई। क्यों रोका तूने मुझे? हाँ, जान ले लूंगा तेरी। अजी छोड़िए ना। तू चुप रह। बच्चे, अन्ना नाई के दरवाजे पर बारात लाई, बारात क्या होती है ये मैं दिखाऊंगा पूरे गांव को। इस पूर्णिमा के पहले इस घर में मंडप सजेगा। रहने दो ना, नई बहू है। देख रहे हैं ना, बहू का गृह प्रवेश कैसा हो रहा है, लोटा उल्टा गिरा है। सारी तैयारी करके गई थी, ये किसी ने तो किया है। ये जो भी कुछ हुआ है ऐसे नहीं हो सकता। ए, हमने कुछ नहीं किया। अबा, समझाओ इसको, शादी है आपके घर में। हाँ, शादी है। कोई आया क्या शादी में? कोई काम आया क्या? नहीं ना, तो निकलो यहाँ से, चले जाओ। ए, तू क्यों रो रही है? आंसू मत बहा, इनकी छाती पर खड़े रहना पड़ता है, ऐसे ही है ये लोग। आती हूँ मैं। आ यहाँ और इसे लांग कर जाओ। रुक, पहले नाम लो। मंगल सूत्र की दो कटोरी, ससुराल मायके की निशानी, काशीनाथ राव का नाम लेती है नायक की बहू रानी। ओ, आभा नायक की बहू बोल। आभा नायक की बहू। सुनाई दिया ना, आभा नायक के घर में बहू आई है। हाँ, करवा दी है शादी, अब कोई भी मेरा बुरा नहीं कर सकता। लांगो इसे। क्या हुआ बाबा? आपने मुझे बुलाया इसलिए मैं आया। मैंने जो निर्णय लिया है वही होगा। पूर्णिमा के पहले शादी होगी। माधव, अब तेरी पढ़ाई बंद, सारे लोग देखते रहेंगे। ऐसी शादी करवाऊंगा माधव की। माधव भैया की
छाया ताई की शादी नहीं होगी। अजी पर इतने कम दिनों में, मतलब सब होगा ही, पर रिश्ता कहाँ है? लड़की भी मिलनी चाहिए ना। माधव पढ़ा लिखा है, लड़की भी तो वैसे ही मिलनी चाहिए ना। जमींदार की बेटी देखूंगा, धूम धड़ाके से शादी होगी। दत्ता बाबा, सब मैं कर लूंगा, सब तैयारी करूंगा, कुछ कमी नहीं रहेगी। हाँ, पानी के जैसा पैसा खर्च हुआ तो भी चलेगा। पूरा गांव अब देखेगा कि शादी किसे कहते हैं। देखिए देखिए, ये बस्ता ले जाती है स्कूल में, बाकी बच्चों को देखो जरा, और ये सरकारी नौकर की बेटी। अरे सुषमा, इससे अच्छा तो तू थैली लेकर जा, उसमें रख किताबें। तनख्वाह आ जाएगी तो ला दूंगा सुषमा, थोड़े दिन बस। और बस यही सुनते सुनते मैं भी दिन निकाल चुकी हूँ। पर क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही जिंदगी को धक्के मारती हुई आई हूँ मैं। कम से कम बेटी के हिस्से में तो इसे मत आने दो। सुषमा तू चिंता मत कर, मैं लेकर आऊंगी तेरे लिए बस्ता। तुम कहाँ से लाओगी? वो मैं देखूंगी, चार घरों के कपड़े सिलकर दूंगी मैं, पर मैं लाकर दूंगी इसे बस्ता। मैं करता हूँ ना कुमुदिनी। हाँ देख लिया आपका, आज बस्ते के लिए पैसे नहीं है, कल उसकी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, देख लेना, हमारी सुषमा खूब पढ़ेगी। अरे आइए आइए अन्ना, नमस्ते, आइए आइए बैठिए। बस मैं यहीं से गुजर रहा था, लगा कि तुम घर पर ही होगे। हाँ तो मिलने चला है। अच्छा किया। अरे देख क्या रही हो, जाके चाय बनाओ। पटन कर, सब ठीक चल रहा है ना? जी हाँ, सब अच्छा चल रहा है। अन्ना मुझे नया बस्ता ला कर दो। अरे अरे सुषमा, ऐसे बाहर से आए मेहमानों से ऐसे कुछ मांगते नहीं है। अन्ना माफ कीजिए, यह भी छोटी है, इसे उतनी समझ नहीं है। कल के कल 10 बस्ते भेज देता हूँ। अरे अन्ना नहीं नहीं, उससे गलती हो गई, ऐसा मत कीजिए। पाटन कर, मैं क्या पराया हूँ? हाँ अरे नहीं नहीं अन्ना, आपको तो हम हमारे घर का ही समझते हैं। क्यों जी? हाँ हाँ हाँ। और वैसे भी सुषमा आपकी बेटी जैसी है ना? है ना? हाँ हाँ। इसलिए हमें ही तो मांगे पूरी करनी पड़ेंगी। आई बाबा को? हाँ तो हाँ। ऐसे ही है अन्ना, इनके बच्चे ने अगर कुछ कहा तो ये तुरंत लाकर दे देते हैं, सभी की जिद पूरी करते हैं। ठीक है, लेकिन जिद पूरी करने के लिए भी तो समय लगता है ना? ये देखिए इनका ऐसा ही रहता है, अब ये जा रहे हैं काम के लिए 2 दिन बाहर। 2 दिन नहीं रहेंगे तो घर में कौन रहेगा? मैं और सुषमा। वो किसका सर खाएगी? मेरा, क्योंकि घर में कौन है? मैं अकेली। और ऐसे तो कौन सी बड़ी जिद कर दी है इसने कि जिसके लिए 2 हफ्तों तक रुकना पड़ेगा, और 2 दिन तो आप रहेंगे ही नहीं ना। सही कहा ना अर्णा, जिद तो पूरी करनी ही पड़ती है बच्चों की। लीजिए, बहुत गर्म है, नहीं चाय ठंडी हो जाएगी। बाबा मैंने तो कभी किसी बात के लिए जिद की ही नहीं, मुझे तो पढ़ने के लिए मुंबई जाना था, लेकिन मैंने कभी कुछ बोला क्या? नहीं ना, नहीं बोला मैंने। और वो छाया, उसे जो भी चाहिए होता है ना, वो कुछ भी करके उसे पा लेती है, पर मुझे जो कुछ भी मिला ना, मैंने उसी में संतोष किया है। हाँ हाँ, इसलिए मैं जो बोलूँगा सुनोगे क्या? मुझे ये शादी नहीं करनी है। हाँ सच में मैं ये शादी कर ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे किसी और से प्यार
क्योंकि मैं किसी और से प्यार प्यार करते हैं अन्ना, शादी नहीं करनी। हाँ हाँ, क्या बोल रहे थे? चुप रहे। ए साहिबा, किसी से बोलना मत। हाँ, भूल जा, भूल गया। हाँ, भूल गया ना। शाबाश। क्या माधव, क्या सिखा रहा है इसे? दत्ता भाऊ, शादी। ए, अब शादी का क्या है? वो माधव भाऊ, शादी। भूल गया। पांडू, जा जरा देख अभिराम क्या कर रहा है। हाँ ठीक है, जा जा। हाँ साहिबा। माधवा, शादी की बात सुनकर कितना शर्माता है। अब घोड़ा मैदान दूर नहीं है, घोड़ा तैयारी करनी पड़ेगी। तेरी शादी में देख, तुझे कंधे पे लेकर नाचूंगा। मर गया। हाँ मर गया। क्या अन्ना, क्या है? हाँ जब जल्दी निकले, पाटन करो। नहीं मतलब मुझे, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। मुझे बोलना था कि जल्दी निकल गए ना, इसलिए संदेश भेजा है आपके लिए। अन्ना, ये 5 बादाम भेजे हैं पाटन कर भाई ने। अन्ना, क्या है ये? नेने, अरे कोई रिश्ता देखा है क्या माधव के लिए? एक लड़की, बाप के पास बहुत जमीन जायदाद है, इकलौती औलाद है। कल ही बुलाकर बातचीत कर लेनी चाहिए। अरे कल नहीं, कल अमावस्या है। तो उसमें क्या हुआ? अरे सब कुछ अच्छे से होना चाहिए, इसीलिए बता रहा हूँ। एक बार माधव की शादी होने दो, फिर देखो कैसे बातचीत को देखता हूँ। उसे दिखा देंगे शादी कैसे होती है, पूरे गांव को दिखा देंगे। ये गांव के लोग भी ना लोमड़ी की तरह होते हैं, आएंगे नहीं पर बाद में इसके उसके हाथ से शगुन भेजते रहेंगे। हाँ तो मैंने भी सुना है। दिया ना शगुन। हाँ? फिर से घर का शगुन भेजना पड़ेगा क्या नेने? हाँ हाँ भेजो ना। चुंडिया, जा अपना शगुन पहुंचा दे। जा। ओ शोभा, दरवाजा खोल। हाँ। कौन आया है? शगुन आया है। कौन लेकर आया है? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? लेकर आ। हाँ। शगुन, नाइक के लिए शगुन आया है, मेरी शादी का शगुन, देखने दो। अरे नाइक, जरा रुको रुको, मैं देखती हूँ। नाइक, अन्ना नाइक। अरे ये क्या आया है शाम को घर में? ये किसने किया है पता चला ना? माचिस ले आ। हाँ। मुझे क्या मालूम नहीं क्या ये सब किसने किया है? आई। ये जिसने भी किया है उसके मुर्दे की ऐसी ही राख हो जाएगी। ये रही अन्ना नाइक के मुर्दे की राख। हुँ।
माई, ये राख। माई। हे भगवान। दत्ताऊ, माई, माई, ये राख। सब दूर फैली है। राख, राख गिरी है देखो। रुक पांडू, हाथ मत लगा। दत्ता, राख देख रहे। आई, घर के चारों ओर राख है। अरे किसने लाकर डाली है? ये कैसी राख है? ये इतनी राख कहाँ से आ गई? हाँ, चूल्हे से तो ये आ ही नहीं सकती। दत्ता, आई, रघु भाऊजी को बुला ला। हाँ। ये किसने क्या किया है वो देखना तो पड़ेगा ना सब। दत्ता रुक जा। लांगना नहीं, कोई भी लांग कर नहीं जाना। जहर की परीक्षा नहीं लेना। नाथा, ए नाथा। आया, आया। रुको यहीं पर। ये क्या हुआ? ये कैसी राख है? रघु काका को बुला कर ला और उनके साथ ही आना। जा जल्दी। हाँ, जा। जाता हूँ। इंदु, आज अमावस्या है ना? अमावस्या के दिन सब बाहर आते हैं ना। आ गए, आ गए, रघु काका आ गए। माई, दत्ता भाऊ। भाऊजी, जरा देखिए ना क्या है ये। सुबह सुबह किसी ने कुछ लाकर डाला है ये। कुछ उपाय बताइए ना। भाभी, ये बंधन डाला है, इसको लांगना नहीं। ये संकट है, इस संकट ने पूरे घर को घेर लिया है। तो फिर ये ऐसा ही? ये जिसने फैलाया है, इसे पार करने वाले का नसीब बलवान है तो ठीक, नहीं तो इस राग को लांगने वाले की राग बन जाएगी।